हाय फ्रेंड्स मेरे तो नागपाल देखे आज आपके लिए एक और जो है हाफ जैकेट बेसिकली बच्चे का लाई हूँ देखिए इस तरीके से दिखता है ये आप देखेंगे ऐसे है ये बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत अलग तरीके से बनता है ये जैकेट बाकी ये मैंने जो है नॉर्मल उसमें बनाया है वूल ली है नॉर्मल जो होती हैं और नौ नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया है हार्डली अस्सी से नब्बे ग्राम के आसपास इसमें वूल जो है लगी है तो देखिए ये ऐसे दिख रहा है ये देखेंगे आप ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है और ये जो है आपके एक से डेढ़ साल के बच्चे को आराम से आएगा तो चलिए फिर देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप अब देखिए आपका जो है ये इस तरीके से ये मैंने आपको बताया है कैसे बनाएंगे इसका मैं आपको यहाँ पे स्वेटर बताने जा रही हूँ कि आप इसका छोटे बच्चे का स्वेटर किस तरीके से बना सकते हैं जो मैं पैटर्न या टेक्निक बताने जा रही हूँ आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं इस तरीके से अब देखिए मैंने इस तरीके के ये चार बना के रखे हैं जो आपको बताए हैं चार बना के रखे हैं ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे थर्टी नाइन फंदे लेकर इसे मैंने बनाया है अब हम इसे किस तरीके से जोड़ेंगे ताकि ये स्वेटर का रूप ले ले फिलहाल मैं ये दो तो साइड पर रख लेती हूँ क्योंकि हमें ये दो की ज़रूरत है तो देखिए ये जो दो है हमें इस तरीके से जोड़ने हैं आपस में ताकि यहाँ पर आपका स्वेटर का एक रूप आ जाए अब उसे करने के लिए क्या करूँगी ये यहाँ से नौ नंबर की सिलाई उठा रही हूँ और यहाँ से आप ये देखेंगे देखिए दिखें, एक एक चेन बनी है ये देखेंगे आप जब आप इसे बनाएंगे तो यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू कर देंगे एक एक फंदा उठाएंगे हर चेन में तो आपने यहाँ से देखिए ऐसे करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये देखेंगे आप ये अठारह इस तरीके से लिया है आपने अठारह फंदे आपने यहाँ पे जो है उठाने हैं ये अठारह फंदे आपने इस तरीके से देखिएगा उठेंगे अब ये लेना है ये अठारह उठाया अब ये जो इसका हमारा सेंटर है देखेंगे आप यहाँ से हमें एक फंदा लेना है देखिए ये ये सेंटर दिख रहा है आपको इसमें ये देखेंगे ये जो सेंटर है जहाँ पे हमने तीन का एक किया था यहाँ पे पहले हम एक फंदा लेंगे ऐसे और इसे बनाएंगे अब पलट लीजिए यहीं पे। पलटने के बाद जो ये दो फंदे हैं इन्हें हमने ऐसे दो का एक करना है ये देखिएगा ये किया अब ये सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे अब देखिए सारे फंदे आपने सीधे बनाए लास्ट में आ गई हूँ मैं अब धागा आगे करके ये एक फंदा एज इट इज इस उतरेगा इसे हम सीधा नहीं बनाएंगे बिना बुने हुए उतारेंगे अब पलट लीजिए ये देखें ऐसे अब ये पहला और इसके साथ वाला दूसरा इन दो फंदों को हमने दो का एक करना है इस तरीके से ये देखिए ये ये किया अब ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे ये जो दो लाइंस आपको बता रही हूं यही आपको दोहराते हुए जाना है टिल ऊपर हमारे पास दो फंदे बचेंगे तब तक हमें इसको इसी तरीके से बनाते हुए और घटाते हुए जाना है अब ये देखिए ये, ये बनाया आपने ये लास्ट है बस इसका ध्यान रखिएगा कि ये आपके पास ऐसे उल्टा ना आए ऐसे सीधा आए ये हमारा सीधा चढ़ना चाहिए इस चीज का ध्यान रखिएगा अब देखिए ये ऐसे है अब इसके दूसरे वाले पे ये जो पहला है उसके दूसरे वाले पे ऐसे डाल के एक फंदा ऐसे बनाऊंगी फिर पलटूंगी और फिर हम दो का एक करेंगे ऐसे इस तरीके से ये किया लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ करके बिना बुने हुए उतारना है अब पलट लीजिए फिर से ये दो फंदे हमने दो का एक करना है बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे ये बनाए देखिए यहाँ से वैसे ही जैसे हम लेते आए हैं एक एक फंदा आपने लेते हुए जाना है बस ध्यान रखिएगा कि आपने इसके जहाँ पे जाली टाइप है या वो बना हुआ है उसी में आपने लेना है देखिए अब ऐसे ही हमें करते हुए यहाँ तक जाना है ये इस तक यहाँ पे ऐसे करते हुए जाना है जैसे मैं बताया ये लाइंस वैसे ही दोहराते हुए जाएंगे एक एक फंदा लेते हुए यहाँ टॉप तक जाएंगे तो हमारे पास टॉप पे जो है हार्डली दो फंदे बच जाएंगे तो चलिए पहले हम इसे ही इसी तरीके से करते हुए जाएंगे अब ये देखिए करते हुए गई हूँ यहाँ पे हार्डली आप देखेंगे ऐसे आया है ये लेते हुए गई हूँ देखिए यहाँ पे मेरे पास इस समय जो है ऐसे दो फंदे ये देखिएगा ये दो फंदे बचे हैं अब मुझे यहाँ से भी फंदे एक एक करके यहाँ टॉप तक उठाना है उसी तरीके से उठाऊंगी जैसे उठाया था देखिए ऐसे ये मैं बता दूं ये जो हम चार पट पैच वर्क बेसिकली बोलते हैं इनको ये जो पैच वर्क मैंने चार रखे हैं ये जो दो बता रही हूं इसी तरीके से आपने इन दोनों में भी ऐसे ही एग्जैक्टली exactly बनाने हैं तो चलिए पहले फंदे उठा लेते हैं अब ये देखिए एक्जैक्टली अट्ठारह फंदे उठे हैं ये टॉप पे बिल्कुल टॉप पे लीजिएगा एक छोटा सा ये अठारह फंदे हमारे ऐसे देखेंगे आप अभी देखिए इस तरीके से अब ये पहले पूरी लाइन हम सीधी बनाएंगे ऐसे पूरी लाइन सीधी बनाइएगा और लास्ट का फंदा उतारेंगे जैसे हम उतारते आए हैं देखिएगा ये लास्ट का फंदा आपने दागा अपनी तरफ करके ऐसे उतारना है पलट लीजिए अब ये दो फंदे हम दो का एक करेंगे ऐसे और लास्ट के दो फंदे तक हम ऐसे जाएंगे देखेंगे और लास्ट का फंदा उतारना है ये देखिएगा ये लास्ट का फंदा है धागा अपनी तरफ करके इसे उतारिएगा अब पलट के फिर से वही इन दो को दो का एक करना है यानी कि हम दोनों तरफ से हर लाइन में घटाते हुए जा रहे हैं सीधे में भी और उल्टे में भी हर लाइन में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे जब तक कि ऊपर हमारे पास सारे फंदे ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसी तरीके से इसे दोहराते हुए जाना है ये देखिए ये धागा अपनी तरफ इसे उतारा फिर पलट के वही ये दो फंदों को आपने दो का एक किया ऐसे और सारे फंदे सीधे बना लिए और लास्ट का फंदा सिर्फ उतारना है आपने बिना बुने हुए ये देखिए ये किया ये लास्ट का फंदा है धागा अपनी तरफ इस फंदे को आपने बिना बुने हुए उतार दिया आप पलट के वही इन दो फंदों को आपने दो का एक करना है ऐसे और वैसे अब यही चीज आप दोहराते हुए जाएंगे जब तक सारे फंदे खत्म हो जाते हैं तब तक यही चीज दोहराते हुए हमने जानी है अब ये देखिए यहां पे इस तरीके से गई हूं दो फंदे टोटल में बचे हैं तो इन्हें हमें बंद कर लेना है आपने इस तरीके से करना है या यहाँ से कीजिएगा ऐसे ये किया और इसे खींच लिया अब ये देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से आप देखेंगे बंद हो गया देखिए अब ये साइड भी एक्जैक्टली सेम ऐसे ही होगी जैसे हमने ये किया पहले ये जो किया था और उसके बाद ये किया था और इस साइड के लिए पहले हम फंदे यहाँ से उठाएंगे फिर एक एक करके यहाँ से लेते हुए जाएंगे तो यहाँ से हमने फंदे उसी तरीके से उठाने हैं जैसे हमने यहाँ से उठाए थे उतने ही उठाएंगे अठारह फंदे तो चलिए देखिए ये जो है एग्जैक्टली exactly करना सेम है बस दिखा रही हूँ आपको क्योंकि जगह चेंज है बाकी करना आपने सेम है ये लिया आपने दागा और इसे इस तरीके से किया फिर हर एक उसमें आपने अपना एक एक फंदा बनाते हुए उठाते हुए जाना है इस तरीके से देखिए तीन अब ये देखिएगा ये अठारह फंदे हमने यहाँ पर पूरे इस तरीके से उठा लिए अठारह फंदे तो हमने इस ब्लैक के उठाए अब यहाँ से एक एक फंदा आपने उठाना है जैसे पहले किया था एग्जैक्टली exactly सेम वैसे ही करना देखिए ये लिया आपने एक फंदा यहीं पे आपने इसे पलट लिया और इन दो फंदों को जैसे दो का एक करते थे वैसे ही ऐसे करना है इस तरीके से और सारे फंदे सीधे बनाने हैं लास्ट का फंदा सिर्फ उल्टा बनेगा ये देखिए ये आगे देखिए ये लास्ट का फंदा है ये आपने धागा अपनी तरफ करके इसे जस्ट उतारना है बनाना भी नहीं है जस्ट उतारना है अब पलट लीजिए और पलटने के बाद इन दो फंदों को आपने यहां से ऐसे दो का एक करना है देखिए प्रोसीजर सेम है जस्ट जगह चेंज हुई है ये देखिए ये दो का एक किया आपने फिर सारे फंदे सीधे बनाए ये देखिए ये बना लिया आपने अब यहां से वैसे ही जैसे हम कर रहे थे एक एक फंदा हमने इस तरीके से लेते हुए जाना है पलट के इन दो को आपने धोखा किया और सारे फंदे सीधे लास्ट का फंदा उतारना है बस यही अब आपने दोहराते हुए जाना है इसी तरीके से ऊपर लास्ट तक और ऊपर आपके पास दो फंदे बचेंगे उन्हें आप ऐसे ही बंद कर दीजिएगा ये देखिए ये किया धागा अपनी तरफ इसे उतार लिया बिना बुने हुए तो यही दो अपने यहाँ तक दोहराते हुए जाना है तो हमारा जिस तरीके से ये बना था वैसे ही बन जाएगा और यहाँ जो दो फंदे लास्ट में बचेंगे वो बंद कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ से भी वैसे ही फंदे उठाएंगे जैसे यहाँ किया था देखिए वैसे तो मैं ये कर देती हूँ ये एक मैंने ऑलरेडी दोनों साइड्स आपने इसी तरीके से बनाने हैं तो देखिए एक साइड इस तरीके से बना रखा है आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे बना हुआ है तो अभी हम ये बना रहे हैं फिर हम ये बनाएंगे तो पहले इसे पूरा कर लेती हूँ तो ये ये वाली साइड भी हमने इसी तरीके से बनानी है यहां से फंदे उठाने हैं और फिर दोनों तरफ बंद करते हुए जाना है पहले ये कंप्लीट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरीके से करेंगे अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जैसे यहाँ किया था वैसे ही करते हुए गई हूं और यहां पे इसे बंद कर दिया ये देखेंगे आप ये धागा है अब ये पोर्शन है ये देखिएगा ये तो कर लिया ये वाला पोर्शन अब ये जो पोर्शन है ये भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने ये वाला पोर्शन किया था एक बार दिखा देती हूं फिर इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से हम इसका आगे बढ़ेंगे अब फंदे उसी तरीके से आपने उठाने हैं ऐसे ये देखिए उसी तरीके से 18 फंदे उठे हैं अब दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा बंद करना पहले ये लाइन तो पूरी सीधी जाएगी ये पहुंच गए दागा अपनी तरफ इस वाले फंदे को बिना बुने हुए उतारा आप पलट के ये दो फंदे हम इस तरीके से दो का एक करेंगे और लास्ट तक बुनेंगे लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतार देंगे ये देखिए ये किया अब ये लास्ट का फंदा है धागा अपनी तरफ इसे आपने बिना बुने हुए उतारा पलट के ये दो का आपने दो का एक करना यानी कि हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक ये सारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते जिस तरीके से नेक्स्ट साइड किया था वैसे ही करना है अब दोनों जो साइड्स है हमें जो हमने चार बनाए थे दो को कर लिया अगेन दूसरे दो को भी आपने इसी तरीके से सेम करते हुए जाना है ये देखिए ये किया ये उतार दिया और उसके बाद दिखाऊंगी कि हम इसे किस तरीके से बच्चे का जैकेट बना पाएंगे ये बन के तैयार हो गया ऐसे दोनों पार्ट ये देखेंगे दोनों पार्ट हमारे बन के तैयार हो गए अब हमें यहाँ पे फंदे उठाने हैं और दोनों को अलग अलग बनाना है बनेगा सेम अब यहाँ पे हमें कम से कम तीस फंदे चाहिए तो आप उस हिसाब से अपने फंदे यहाँ पे उठाइएगा तीस फंदे चाहिए क्योंकि बैक में हमने जो है साठ फंदे डालने हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे जहाँ भी हमें गैप लगेगा और जहाँ लगेगा हम फंदा उठा सकते हैं वहाँ हम जो है फंदा उस तरीके से उठाएंगे तो देखिए थर्टी फंदे आपने यहाँ पे ऐसे उठाने हैं अब ये देखिएगा इस तरीके से तीस फंदे मैंने इसमें उठा लिए हैं अब फिलहाल तीस फंदों के बाद छः लाइनें नॉर्मल सीधी सीधी की जो है इसमें बनाऊंगी इस तरीके से जैसे हम सीधे बनाते हैं इस तरीके से छः लाइनें हमने सीधी की बनानी हैं अब ये देखिए इस तरीके से छः लाइनें बना ली यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये लंबा कितना बना है क्योंकि आपने अपने अपने बच्चों के हिसाब से बनाना है अगर इसे मैं देखिए यहाँ से नापूंगी यहाँ से नहीं नापूंगी यहाँ से नापूंगी तो ये मेरा सात इंच बन गया था आप ये देखेंगे यहाँ से सात इंच बना है और उसके बाद अब मैंने छः लाइनें नॉर्मल बनाई है तीस फंदे हैं अब यहाँ पर हम आम होल की कटिंग करेंगे दोनों साइड से एक जैसे बनाने हैं अब यहाँ पर पाँच फंदे हम ऐसे घटाएँगे आम होल के लिए दो तीन चार और ये पाँच ये देखिए ऐसे किए अब कुछ लाइनें फिर नॉर्मल बना के फिर इसके गले की कटिंग करेंगे पहले और दोनों साइड एक जैसे बनने हैं। बस साइड का फ़र्क होगा बाकी फ्रंट के दोनों जो है एक जैसे ही बनेंगे अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसे बना लिया ये एक दो तीन चार पाँच छः सात यानी कि चौदह लाइंस बनाई हैं अब इसकी गले की कटिंग करेंगे हम चौदह लाइंस बाकी आपको नाप के भी बता देती हूँ कि आम होल से कितना हुआ है ये अभी देखिए आम होल से जो है ये दो इंच के आसपास हुआ है तो अभी ऊपर जो है कटिंग करने के बाद हम दो ढाई इंच और इसे बनाएंगे अब गले की कटिंग करनी है तो गले की कटिंग इस साइड होगी और दस फंदे एक बार में बंद करूंगी तो यहां से हम ये पहले फंदे सारे इकट्ठे बना लेते हैं सीधा अब ये देखिए ये किया आपने पलट के यहां से हम 10 फंदे बंद करेंगे अब इस तरीके से बंद कीजिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस रदर एक फंदा और कर लूँगी यहाँ पे मैं चौदह ही रहने दूँगी तो ग्यारह फंदे देखिए मैंने ऐसे बंद किए इस तरीके से और बाकी सारे फंदे हम सीधा बनाएंगे। अब इसकी शोल्डर की लंबाई पूरी होने तक इसे हम नॉर्मल जैसे सीधा बन रहा है उसी तरीके से जो है सीधा बनाएंगे ये देखिए ये गले की कटिंग यहाँ पे होगी आप शोल्डर की लंबाई पूरी होने तक इसे सीधा बनाएंगे अब मैं आपको दूसरे में भी बता दूँ हमने वैसे ही जैसे जिस तरीके से यहाँ पे तीस फंदे उठाए थे यहाँ से यहाँ तक तीस फंदे उठाएंगे छः लाइंस बनाएंगे और इस साइड यहाँ पे इस साइड हमने कटिंग की है इसकी कटिंग इस साइड होगी वही पांच फंदों की कटिंग और इतनी ही जो है चौदह लाइंस बनाने के बाद गले की कटिंग ऐसे ही होगी इस साइड पे तो ये मैं पूरा करके फिर आपको बैक साइड बताती हूँ कि हम बैक साइड इसकी किस तरीके से जो है बनाएंगे अब ये देखिए ये दोनों जो है बराबर कर लिए ये इसका नेक भी दोनों का एक जैसा बनाया है देखिएगा मैंने उसी एक्जैक्टली exactly सेम दोनों हो गए अब इसका बैक साइड उठाते हैं अब ये तो हो गया फ्रंट इसे साइड कर लेते हैं अब बैक साइड में देखिए नीचे जो है मैंने साठ फंदे डाले हैं ये देखिएगा इसमें साठ फंदे नॉर्मल डाले हैं और इस तरीके से मैंने क्योंकि मैं उसके कॉम्बिनेशन में चढ़ाना चाहती थी तो ब्लैक एंड क्रीम का कॉम्बिनेशन मैंने इस तरीके से छः छः लाइन्स का ये बनाया है अब इसकी लेंथ हमने कैसे कैसे नापनी है ये देखिएगा ये जो पोर्शन है ये जो तिकोना है इसके बाद जो ये 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 पोर्शन है यहाँ से हम इसकी बराबर होना चाहिए इतना हम इसका नापेंगे तो देखिए ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया है शोल्डर उसके आ, आम होल की कटिंग के ये देखेंगे ये देखिए आप यहाँ पे उसकी आम होल की कटिंग भी इसी तरीके से करेंगे यहाँ पांच फंदे यहाँ पांच फंदे और बाकी नॉर्मल ऊपर शोल्डर तक सीधा सीधा बनाएंगे हम पांच फंदे बंद करूंगी अब मैं बेसिकली अपने हिसाब से चढ़ाऊंगी आपने जो भी कलर यूज़ किया होगा आप उस हिसाब से कीजिएगा तो मैं तो क्रीम से ही अब फिलहाल इसे बनाऊंगी यहाँ से क्योंकि ऊपर का पोर्शन फ्रंट का मैंने क्रीम से बनाया है तो पांच फंदे बंद करने आपने ऐसे एक दो तीन चार पाँच अब बाकी फंदे सीधे बनेंगे और उल्टी साइड में उस साइड में भी हम पाँच फंदे बंद करेंगे जस्ट इतना ही करना है क्योंकि फ़्रंट में हमने इसी तरीके से कटिंग की है और उसके बाद हम नॉर्मल सीधा सीधा बनाते हुए ऊपर जहाँ तक फ्रंट का शोल्डर हमने रखा है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे कटिंग कर लेंगे चार सिलाई नीचे हार्डली कर लेंगे अब तब तक तो इसे बना लेती हूँ मैं और वहाँ पे फिर इसके फ्रंट के शोल्डर्स के साथ इसको जोड़ देंगे तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेते हैं अब ये देखिए उल्टी साइड में भी यहाँ पांच फंदे बंद करने हैं हमने एक दो तीन चार पाँच अब नॉर्मल सीधा सीधा ऊपर शोल्डर तक बनाते हुए से जाएंगे अब देखिए ये बैक साइड जो बना लिया है हार्डली चार लाइंस रहती है मुझे इसका शोल्डर फ्रंट साइड के पूरा आने में अब जितने हमने यहाँ पे शोल्डर्स में रखे हैं दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फंदे हैं वो छोड़ के बाकी सेंटर के फंदे मैं बंद कर दूँगी दोनों साइड्स में चौदह चौदह फंदे छोड़ेंगे और फिर हार्डली चार लाइन्स बनाएंगे देखिए एक सॉरी इसे तो छोड़ना है दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह अब ये चौदह फंदे हमने ऐसे ही रखने हैं सिर्फ इनको चार लाइंस बनानी है और ये सेंटर के जितने फंदे हैं वो हम बंद करेंगे इस तरीके से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस देखिए बाईस फंदे सेंटर में बंद करे हैं और ये फिर चार चौदह फंदे बचे चार चार लाइंस दोनों तरफ करूंगी और फिर दोनों के शोल्डर्स जो है एक दूसरे के साथ हम जोड़ देंगे ये तो एक लाइन हो गई अब तीन लाइन फिर करूंगी एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी यानी कि दोनों तरफ हम सीधा सीधा बना रहे हैं तो तीन लाइंस और इसकी ऐसे सीधे सीधे की करेंगे दोनों तरफ यहां भी और उस साइड भी देखिए ये एक हो गई अगेन ये दूसरी और ये तीसरी इसके बाद शोल्डर के साथ जोड़ देंगे इसको देखिए ये हो गया बन गया ये एक साइड इस साइड तीन लाइनें हैं अब आपने क्या करना है ये ये है इसका शोल्डर का इस साइड का तो अब हम इसको आपस में जो है इस तरीके से जोड़ लेंगे अब चाहे इप आप वहाँ से जोड़िए या यहाँ से जोड़िए तो आप अपने हिसाब से देखिएगा हम इसे इस तरीके से निकाल के सीधा करेंगे ऐसे अब ये उल्टी तरफ और इसका ऐसे है ये आपने एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ देना है ऐसे और इसी तरीके से आपने नेक्स्ट शोल्डर भी करना है देखिए ये किया बैक से आपने ऐसे उतारा फिर ये दो फंदों को आपने दो का एक किया बैक से ऐसे उतारा ये देखिए ये कर लिया आपने इसको ऐसे और आपस में इन दो जो धागों को है वो ज़रूर टाई कीजिएगा नहीं तो खुल जाएगा बाकी हम करोशिया से इसे आगे बंद कर देंगे तो देखिए इस तरीके से जुड़ गया एक अब ये भी हमें तीन लाइनें करने के बाद उसी तरीके से जोड़ना है जैसे हमने ये जोड़ा और उसके बाद बताती हूँ आपको कि हम इसे किस तरीके से बाकी पोर्शन जो है करेंगे फिर हमने जस्ट क्या करना है ये दोनों साइड्स ऐसे लेकर सिल देने हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी मैं इसमें बाजू नहीं बना रही हूँ अगर आपने इसमें बाजू बनाने चाहते हैं तो उसमें आप 38 फंदे डालकर बनाइएगा हर थर्ड लाइन के बाद आपने जो है उसमें बढ़ाना है और यहाँ तक आम होल तक आपके पास 52 फंदों के आसपास होना चाहिए और उसके बाद जैसे हम घटाते हैं बाजू में उसी तरीके से आपने जो है करना है तो चलिए पहले ये सेकंड वाला शोल्डर भी जोड़ देती हूँ फिर इसका फ्रंट का बताऊंगी आपको कि हम कैसे करेंगे अब ये देखिए दोनों शोल्डर्स ऐसे जुड़ गए हैं अगर आप इसे सीधा करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है देखिएगा बहुत सुंदर सा अब हमें आपस में जो है इनको यहाँ पे ये जोड़ना है ये पोर्शन ऐसे और यहां से ऐसे ये आपने दोनों तरफ जोड़ने हैं और उसके बाद आप चाहे तो देखिए बाजू बनाइएगा मैं नहीं बना रही हूं क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा इसका करोशिया वर्क करूंगी वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप वैसे फंदे उठाकर भी इसमें पट्टी बना सकते हैं बटन के लिए पर मुझे संभाव लग रहा है कि ऐसे ही सुंदर लग रहा है तो हो सकता है मैं वो भी ना करूँ और जस्ट यहाँ पे एक बटन लगा लूँ उसको जो है करोशिया के साथ लगाने के लिए जो लूप हम बनाते हैं उसके लिए बाकी आपका इस तरीके से ये स्वेटर जो है तैयार हो गया देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सा बना है बहुत ही खूबसूरत सा है ये देखिएगा तो चलिए फिलहाल इसे मैं साइड सिल लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसको हम आगे ए, आ, जो ये पोर्शन है करें या ना करें चलिए पहले इसे साइड सिल लेते हैं अब ये जब आपने बना लिया इस तरीके से देखिए यहाँ से मैंने आप देखेंगे इस साइड पे ये चार लाइंस का हार्डली जो है ये छह लाइंस है बेसिकली हार्डली इसका बॉर्डर बनाया तो आपने करना क्या है यहाँ से ऐसे इस तरीके से डाल के अपने फंदे उठाने हैं और इसमें फिर आपने बीच में जो है बटन होल भी डालने हैं तो आप इस तरीके से ऐसे ये जो चेन्स आपको दिख रही हैं इसमें एक एक करके फंदा ऐसे सारे उठाइएगा देखिए लास्ट तक हमने इस तरीके से उठाया थर्टी एट फंदे हैं अब आपने दोनों तरफ जस्ट इसको सीधा सीधा बनाना है और साथ में दो लाइन्स के बाद इसमें जो है हम बटन होल डालेंगे देखिए यहाँ पे आ गए अब यहाँ पे आपने बटन होल्स डालने हैं अब अपने हिसाब से गैप गैप के हिसाब से डालिएगा अब मैं देखिएगा पहले अ, स्टार्टिंग से देखूंगी तो मैं ये दो छोड़ के यहाँ पर डालूँगी इन पर फिर चार छोड़ूंगी इस पर डालूंगी फिर चार छोड़ूंगी इस पर डालूँगी चार या पांच फंदे आपने छोड़ने हैं तो चलिए देखिए कैसे डालेंगे अब ये पहले यहाँ पे आपने एक दो तीन चार ये बना लिया धागा अपनी तरफ किया और इन दोनों को दो का एक कर दिया तो ये होल बन गया अब एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ इन दोनों को दो का एक कर दिया ऐसे भी डाल सकते हैं और बाकी भी मैंने बताए हैं अपने चैनल पे आप कैसे बना सकते हैं आठ, फिर आपने ऐसे किया और और यहाँ पे भी आपने उसी तरीके से बटन होल डाल दिया बस अब आपने जस्ट इसकी और दो तीन लाइनें बनाने के बाद इसे जैसे यहाँ से इस साइड में हमने बंद कर दिया है उसी तरीके से इसे भी बंद कीजिएगा अब बंद करने का तरीका देखिए सीधा सीधा बंद करेंगे तो ये थोड़ा खींच सा जाएगा इसलिए बेटर है कि आप एक सीधा एक उल्टा में इसको जो है बंद कीजिएगा यानी कि एक सीधा बनाएंगे एक उल्टा बनाएंगे फिर बंद कीजिएगा देखेंगे आप ये बटन होल इस तरीके से आए हैं अब देखिए इसे बंद किस तरीके से करना है ऐसे बना लिया मैंने आप देखेंगे ये देखेंगे ये बटन होल्स आ गए अब बंद कैसे करना है वो बता देती हूँ ये उतारा इसे बनाया ये किया अब आपने धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा बनाना है और फिर बैक का उतारना है फिर धागा आगे करना है इसे सीधा बनाना है इसलिए कह रही हूँ ये करने के लिए क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही सीधा सीधा करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और टाइट ये यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा फिर आपका जो बटन पट्टी है वो टेढ़ी आएगी लेकिन अगर हम इस तरीके से बंद करते हैं तो वो टाइट नहीं होता है आप दूसरे बटन पट्टी में आपको मैं दिखा देती हूँ ये देखिए ये टाइट बिल्कुल नहीं होगा नॉर्मल चलेगा तो इसीलिए हम इसमें इस तरीके से एक सीधा और एक उल्टा करके बंद करेंगे पूरा ये देखिए इस तरीके से ये कर लिया आपने तो आपका जो ये बच्चे का जैकेट है ये तैयार हो गया चाहे तो अब आप मैंने पहले भी आपको आगे पीछे बताया था कि चाहे तो आप ये देखेंगे ये ऐसे बिल्कुल ऐसे आया अदरवाइज़ क्या होता है ये इस तरीके से श्रिंक आ जाता है टेढ़ा तो अभी टेढ़ा नहीं आया है जब आप इसको देखिए बटन लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आएगी ये इस तरीके से तो आप चाहे तो आप इसकी बाजू भी अलग से बना के इसमें लगा सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है मैं नहीं लगा रही हूँ मुझे ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है सुंदर सा लग रहा है तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू